आखिरकार इंतजार खत्म हो गया और ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोल दिया गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी और श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। बता दें, मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। भगवान जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ खजाने को आज खोल दिया गया है। बता दें, इस खजाने को इससे पहले साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कोशिश बंद कर दी गई। पिछली बार साल 1985 में इस तहखाने को खोला गया था। इस दौरान राजाओं के मुकुट से लेकर खजानों से भरी तिजोरियां देखने को मिली थी। दरअसल रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। वहीं 12वीं सदी के बने मंदिर में तब से ये चीजें रखी हुई हैं। इस भंडार गृह के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। खजाने के बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही रहता है, लेकिन रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था। वही साल 1985 में भी इन चैम्बर को खोला गया, लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इस बारे में कहीं कुछ भी नहीं बताया गया। वही साल 2018 में विधानसभा के पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आखिरी बार यानी कि 1978 में इसे खोलने के समय रत्न भंडार में करीब 12,500 भारी सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 22,000 भरी से कुछ ज्यादा के चांदी के बर्तन थे और बहुत से गहने थे जिनका तब वजन नहीं किया गया था। बता दें कि एक भरी 11.66 ग्राम के बराबर होता है। गौरतलब है कि साल 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि तब चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा उठा था। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर ओडिशा के लोगों में गहरी आस्था है। ये रत्न भंडार जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में स्थित है। रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान में दिए गए बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।